हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड रीप्ले। अब तक घूमे किसी के पैर में का जो लीप चल रहा है उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो थोड़े मिक्स टाइप के अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नई कहानी पसंद आने लग गई है और जो कि इन दोनों एक्ट्रेस को यानी कि भाविका और हितेश भारद्वाज को एक साथ देखना पसंद करने लग गए हैं। अब इसी के साथ शो में एक हो चुकी है नई एंट्री और उस नई एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। आसिम खान इस शो में एंटर कर चुके हैं और इस शो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले कर रहे हैं। इनका करेक्टर कैसा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, ये सीरियल में लक्की नाम का करेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन इनका जो करेक्टर है वो इनके नाम से थोड़ा मिलता जुलता नहीं है। कहने का मतलब ये है, पॉजिटिव टाइप का करेक्टर नहीं है इनका, जो करेक्टर है वो नेगेटिव टाइप का करेक्टर है। एंटेगनिस्ट का रोल ये सीरियल में प्ले करने वाले हैं, यानी कि नेगेटिव करेक्टर इस शो में निभा रहे हैं। वैसे उनका दूसरा टीवी सीरियल है, इससे पहले वो दंगल टीवी का सीरियल कर चुके हैं जो कि रवि दुबे का सीरियल था दालचीनी, उसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले किया था, लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था और उसके बाद अब इनको यहाँ पर एक बड़े शो में भी ये रोल मिल गया है। तो गाइज़ काफ़ी एक्साइटेड हैं वो इस रोल को लेकर। और इनके रोल के बारे में और अगर हम बात करें तो गाइज़, वैसे वो जो रजत का करेक्टर है उसके छोटे भाई का रोल निभा रहे हैं। वैसे वो अपनी फैमिली में काफ़ी अच्छे हैं सबके साथ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं वो हर लड़की के साथ और उनका करेक्टर थोड़ा इस तरह का है, अगर उनको कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो कुछ भी करेंगे, किसी भी हद को पार करेंगे और जो भी पॉसिबल हो सकता है वो चीज़ें करेंगे कि वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ पाए। तो इस तरह का रोल उनका होने जा रहा है। वो कहते हैं कि उनकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी से काफ़ी अपोजिट टाइप का रोल है, काफ़ी अलग टाइप का रोल है और ये नेगेटिव रोल में हमें नज़र आएंगे। और इनकी शो में एंट्री से हमें रजत भाविका के करेक्टर्स में भी काफ़ी उनके ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, जो कि मेकर्स ने आने वाले एपिसोड्स में और भी ज़्यादा प्लान कर रखे हैं। तो गाइस, आसिम खान की ये जो एंट्री है और ये जो इनका करेक्टर है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है और इनकी नई एंट्री आप सीरियल में देख सकते हैं। तो गाइस, गुम है किसी के प्यार में की सारी अपकमिंग अपडेट्स एंड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप कोई भी न्यूज़ एंड अपडेट बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।